अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है रेस्टोरेंट स्टाइल मिसल पाव की, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसमें जो अज़ा हम इस्तेमाल करते हैं वो अपने किचन में आसानी से मिल जाएंगे आपको। तो इसे जब हम सर्व करेंगे तो वो कटे हुए नींबू और प्याज के साथ और पाव के साथ सर्व करेंगे इसे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो मिक्स स्प्राउट, और जिसे हमने रात भर भिगा दिया था, और अब हम इसे उबालने के लिए रख देंगे। इसे हमने कुकर में दो सीटी लेने तक उबाल लिया है। और मसालों में हम लेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज कटी हुई, 1 टीस्पून हींग, आधा टेबलस्पून राई, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून मालोनी मसाला, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 कप कटा हुआ हरा धनिया, और नमक लेंगे हसबे ज़रूरत, और मिक्स फरसन लेंगे हम हसबे ज़रूरत। सबसे पहले हम तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे, और जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तब इसमें हम हींग का पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें राई ऐड कर देंगे। जब ये अच्छी तरह तड़कने लगे तो जो 1 कप कोथमीर हमने काटा था उसमें से आधा कप कोथमीर हम इसमें डाल देंगे, और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसे इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि जो अदरक और लहसुन है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब जो अदरक लहसुन है वो भून चुका है और लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जब प्याज हल्की हल्की ब्राउन होने लगे तब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें मालोनी मसाला ऐड करेंगे। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक तेज़ आंच पे। अब जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें स्प्राउट्स ऐड कर रहे हैं सारे। इसका पानी हमने नहीं फेंका था, इस पानी को हमें इस करी के लिए इस्तेमाल करना है इसकी। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। इसका पानी भी ऐड कर देंगे और इसे ढककर उबलने तक पकाएंगे। जब ग्रेवी में उबाल आ जाए तो ढक्कन हटा देंगे और इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी ग्रेवी देखिए ऐसी होती है, ना गाढ़ी और ना पतली। अब इसे हम वापस से ढक देंगे ताकि इसका जो ऑयल है ऊपर आ जाए, और गैस बंद कर देंगे। इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, अब ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्याज और फरसन डाल देंगे ऊपर से, और इसे इसी तरह से आप सर्व करेंगे। इसके साथ जैसे मैंने बताया था प्याज और कटा हुआ नींबू और पाव के साथ इसे सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ये फ्री है, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।